हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे राजस्थान पीटीटी 2022 का फॉर्म फिल कर चुके हैं और एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं। गाइस, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा तिथि को लेकर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। क्या है पूरी अपडेट और कितने दिनों की पढ़ाई में आप लोग सरकारी कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, राजस्थान पीटीटी 2022 के फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च। तो 31 मार्च से पहले आप लोग पीटीटी 2022 का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर हम बात करें इसी परीक्षा तिथि की, तो इसकी जो परीक्षा है 20 मई से 30 मई के बीच में आयोजित की जा सकती है। आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है, पढ़ाई में लग जाइए। आप लोगों ने देखा होगा, जिन बच्चों ने 2021 में पीटीटी का एग्जाम दिया होगा तो उन लोगों को पता होगा कि कट ऑफ कितना हाई गया था। तो इस बार आपको मानकर चलना है 400 से 450 नंबर आपको हर हाल में लाने होंगे, तभी आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो कितने दिनों की पढ़ाई में आप सरकारी कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने मन से पढ़ाई की और आज से ही आप लोग पढ़ाई में लग जाते तो ये मान के चलिए 2 महीने में आप सरकारी कॉलेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक कहीं पर भी कोचिंग अभी तक ज्वाइन नहीं की तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। और जो मैं रेगुलर वीडियो डालता हूं अपने दूसरे चैनल पर, तो वीडियोस को भी देखिए, क्योंकि उसमें मैं पीटीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जहां से आप डायरेक्ट हमारे दूसरे चैनल में पहुंच जाएंगे। हमारा नया चैनल सपोर्ट करिए आप लोग, उस चैनल पर पीटीटी 2022 की तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल आप लोगों के लिए है, क्योंकि उस चैनल पर आप लोगों को पीटीटी की जितनी भी क्लासे हैं उस पर आपको रेगुलर एक वीडियो मिल जाया करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने 2 महीने मन से तैयारी कर ली तो यह मान के चलिए कि सरकारी कॉलेज आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जो बच्चे राजस्थान पीडीटी 2022 का पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं कि हमको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों को पीडीटी 2022 की परीक्षा के लिए क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये जान लेना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। तो देखिए गाइस, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो रीजनिंग पे आपको विशेष फोकस करना होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाषा हिंदी और अंग्रेजी में आपको एक चूज करना होगा। देखिए, भाषा हिंदी अंग्रेजी से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल इसमें 200 क्वेश्चन होंगे 600 नंबर के, ये आपको ध्यान रखना है। तो तैयारी आपको विशेषकर अच्छी करनी है, एक अच्छी रणनीति के साथ आपको तैयारी करनी होगी इस बार, ठीक है, क्योंकि हर साल जो आपका कट ऑफ है वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आपको तैयारी अपनी एक रणनीति के अनुसार तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर आप लोग पीटीटी 2022 का फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। सिलेबस देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो देखिए, इसमें मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें कल्पना, सामान्यकरण, आरेखण, रचनात्मक सोच, टीचिंग एप्टीट्यूड से नेतृत्व हो गया आपका, संचार, जागरूकता, व्यवसाय प्रतिबद्धता, अंतर्व्यक्तित्व संबंध, जनरल नॉलेज में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, पर्यावरण जागरूकता, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, भारत और उसके प्राकृतिक संसाधन, महान भारतीय व्यक्तित्व। अब देखिए, हिंदी और इंग्लिश इसमें आपको एक चूज करना होगा। अगर आप लोग हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी में शब्दावली हो गया, कार्यात्मक व्याकरण हो गया, वाक्य संरचना हो गया। अगर आप लोग इंग्लिश की तैयारी, तो आपको ये टॉपिक पढ़ने होंगे, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, तैयारी कैसे करनी है, रणनीति कैसे बनानी, ये आप लोगों को डिसाइड करना होगा। अगर आप लोगों को चाहिए सरकारी कॉलेज चाहिए अगर आप लोगों को, तो आपको एक बेहतर रणनीति बनानी होगी, खुद से बनानी होगी, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। आपको आप खुद से बेहतर रणनीति बनानी होगी और उसी के आधार पर आपको पढ़ाई करनी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमको सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाएगा, जैसे भी मिल जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा कम खर्च हो और हम कम पैसे में बीएड मेरा हो जाए, ऐसे अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी अच्छी, वो भी। तो टारगेट इस बार आपका रहेगा 400 से 450 नंबर का, इतने नंबर आपको हर हाल में लाने होंगे, तभी आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।